हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस फार्मेसी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर 8, जो दिया हुआ है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 1 है ये। चलिए वीडियो लेक्चर शुरू। सबसे पहले डिफाइन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले आपको नॉर्मल एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस अगर इन अ बॉडी एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरमेंट। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस अकर्स। बायोकेमिकल चेंजेस क्या होता है, मतलब कि जो बॉडी के अंदर आपके जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटी होती है, या फिर बॉडी की ग्रोथ डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, राइट। उसके बाद हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मैटर, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मैटर्स के एक्सचेंज में, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स काम कर रहे हैं उनके एक्सचेंज में मैटर काम आता है। एनर्जी, जो मैटर है, जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो एनर्जी काम करती है, एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, एनएडीएच, एनए या फिर एफएडीएच की फॉर्म में, वो सारी स्टोर हो रही है या फिर यूज हो रही है, ये भी सारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हो सकती है मेटाबॉलिज्म की। फर्स्ट वन इज केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन। मेटाबॉलिज्म से केमिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज, डाइट्री न्यूट्रेंट आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। डाइट्री न्यूट्रेंट्स की जरूरत पड़ती है किसी भी न्यू मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। अब डाइट्री न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन एंड वाटर, ये सारे क्या होते हैं, डाइट्री न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है किसी भी न्यू मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी, थर्ड पॉइंट इज न्यू मॉलिक्यूल यूनिट टू फॉर्म प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। उसके बाद अगर कोई भी आप न्यू यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, कोई यूनिट ही नया बना रहे हैं, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूक्लिक एसिड की जरूरत पड़ती है और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। डिफाइन द टर्म्स। अब बहुत सारी अलग अलग टर्म्स है जिन्हें डिफाइन करना है। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज द डिग्रेडेटिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म विच प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सेल। अब देखिए, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन भी आप इजी देख सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म सिंपलर वन टुगेदर विद द एनर्जी। देखिए, कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जो बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक साथ जुड़े हुए हों, गुच्छा बना हुआ हो जो मॉलिक्यूल्स का, उन मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करती है। कौन सी प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद, और जो एक साथ मिलके एनर्जी फॉर्म करे, ऐसे सब्सटेंसेस बनाती है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज अ डिग्रेडेटिव फेज। ये क्या है, एक डिग्रेडेटिव फेज होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म विच प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सेल। ये सेल के लिए कैसे काम करता है, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है। एनाबॉलिज्म जो सेकंड प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म, ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब्ड फूड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। देखिए, एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड होता है, जो आपने फूड इनटेक किया और बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, न्यू सेल के फॉर्मेशन में। न्यू मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल एंड एसेंशियल मेटाबोलाइट्स इज नोन एज एनाबॉलिज्म। देखिए, जो न्यू मॉलिक्यूल बनते हैं बॉडी के अंदर, उनकी स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट किसी भी सेल की, या फिर एसेंशियल मेटाबोलाइट्स जो कि बॉडी को जरूरी हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं एनाबॉलिज्म, राइट। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है एनाबॉलिज्म की, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जो एनाबॉलिज्म होता है, जो कैटाबॉलिज्म होता है, वो जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे, उन्हें सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ एनाबॉलिज्म उल्टा है कैटाबॉलिज्म का। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन कर रहा है सिंपलर फॉर्म से, जो सिंपलर फॉर्म थी मॉलिक्यूल्स की उसे चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए, सर नाम से समझ में आ रहा है आपको, एबनॉर्मल मतलब जो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल फॉर्म में नहीं है,
ठीक है, प्रॉब्लम कॉज करेगा वो कहलाता है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जैसे कि द मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर देयर आर डेफिशिएंसीज ऑफ एंजाइम एंड प्रोड्यूस इन बोन एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। यस, देखिए बहुत सारी अलग अलग डेफिशिएंसीज होती हैं मेटाबॉलिज्म के कारण, जो होती है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाया, फूड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर ये प्रोसेस नहीं हो पा रही है मेटाबॉलिज्म के कारण, तो उसके कारण बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद रीजंस फॉर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अब कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के, जैसे कि फर्स्ट वन इज जेनेटिक इफेक्ट। सबसे पहला तो जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। सेकंड वन इज डाइट्री डेफिशिएंसी। डाइट्री डेफिशिएंसी क्या होती है, देखिए ऐसा हो सकता है डाइट्री डेफिशिएंसी में आप जो खाना इंटेक करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आपको नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को, तो ये हो सकता है डाइट्री डेफिशिएंसी। दूसरा चीज है डिसीज्ड कंडीशन। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है और उसको डिसीज है, किसी भी प्रकार की डिसीज हो सकती है, किसी भी डिसीज कंडीशन में भी मेटाबॉलिज्म की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी बॉडी है उसको एसेंशियल सब्सटेंस नहीं मिलते, या तो ज्यादा मिलता है जितनी जरूरत है, या तो उससे ज्यादा मिलता है बॉडी को, या फिर उससे कम मिलता है, मतलब अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो फूड सप्लीमेंट है या फिर एसेंशियल सप्लीमेंट है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये होता है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। वॉट इज ATP? अब इम्पॉर्टेंट चीज आ गई ATP, ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है, सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, ध्यान रखिएगा। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ प्यूरीन बेस एडिनिन। देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ATP, ठीक है, इसमें पहली बात तो एक प्यूरीन बेस प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज ए 50 कार्बन सुगर द राइबोज। दूसरी चीज इसमें राइबोज सुगर प्रेजेंट होता है एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। और तीसरी चीज 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। पहली चीज बेस के फॉर्म में एडिनिन प्रेजेंट होता है, प्यूरीन बेस एडिनिन। दूसरी चीज 50 कार्बन राइबोज सुगर इसमें प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज इसमें 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट के। ATP इज अ हाई एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड। ATP क्या है, हाई एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड है, मींस ATP के फॉर्म में बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर है ATP का, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर तो आप 2-3 तरीके से ड्रॉ करके आइएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट सेल यूज टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, राइट? ATP एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो सेल के अंदर स्टोर होता है और एनर्जी बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है। देखिए ये क्या है, एडिनिन, ये राइबोस सुगर यहां पे, और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप। इम्पॉर्टेंस ऑफ ATP, अब ATP की इम्पॉर्टेंस क्या होती है बॉडी के अंदर। फर्स्ट वन इज ATP प्रोवाइड एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकंड वन इज ATP इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और ATP जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, मैंने बताया बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो भी ATP की फॉर्म में बनती है, मतलब स्टोर होती है। दूसरी चीज जो यूज होती है वो भी ATP की फॉर्म में ही यूज होती है। और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में ATP का यूज होता है एज अ एनर्जी। उसके बाद डिफाइन द टर्म्स। अब बहुत सारी अलग अलग फिर से टर्म्स आ गई है, जैसे कि फर्स्ट वन इज ग्लायोजेनोलाइसिस, ठीक है, ग्लायोजेनेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर। देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, बनता है कहां, लीवर के अंदर। सेकंड वन इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लीवर। दूसरी चीज जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ये अपोजिट है किसके, ग्लायोजेनेसिस के।
इसके अपोजिट होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो जिसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लाइकोजन का, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, कहां पे, लीवर में। थर्ड वन इज ग्लूकोजिनोसिस या फिर नियो ग्लूकोजेनेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज सच एज अमाइनो एसिड। देखिए, जो आपका न्यू ग्लूकोजेनेसिस जो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस का हो रही है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ऐसे सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसे सोर्स से यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस की जा रही है, सच एज अमाइनो एसिड। जैसे कि अमाइनो एसिड से हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट साइकिल है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इज द पाथवे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। यस, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, सेल के अंदर ये प्रोसेस चलती है, सेल के मैट्रिक्स पार्ट में क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ग्लूकोज का लास्ट स्टेप जो आता है, ग्लूकोज से यहाँ पे पाइरुविक एसिड बनाने तक की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। आगे आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ेंगे, पाथवे पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है ग्लाइकोलाइसिक या फिर ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे है ये। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से यहाँ पे पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड बोल सकते हैं। ये ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या फिर ईएमपी पाथवे। ओके, तो चलिए फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, स्टेबल कंपाउंड हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कौन से एंजाइम की हेल्प से बना, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना। और यहाँ पे देखिए एनर्जी यूज हो रही है, बन नहीं रही है, यूज हो रही है। एटीपी से एडीपी बना, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना। एक मॉलिक्यूल हमारा फॉस्फेट का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने में। दूसरा कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बना, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से हमने बनाया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। देन उसके बाद थर्ड स्टेबल कंपाउंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, इससे बना हमारा फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। और कौन से एंजाइम की हेल्प से बना, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1। यहाँ पे भी देखिए एटीपी से एडीपी बन रहा है, मतलब यहाँ भी एक एनर्जी, मीन्स यहाँ पे एक फॉस्फेट बॉन्ड हमारा रिलीज हुआ, एटीपी से एडीपी बना। उसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेबल कंपाउंड फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से बन रहा है। यहाँ पे दो कंपाउंड बन रहे हैं, फर्स्ट वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, दो मॉलिक्यूल बने, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पे बना ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से हमारे दो कंपाउंड बने। और कौन से एंजाइम के हेल्प से बने, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से बने। अब आ जाते हैं फिफ्थ कंपाउंड, जो फिफ्थ स्टेबल कंपाउंड है उससे जो 6th स्टेबल कंपाउंड बना, क्या बना, यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से बन रहा है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। और देखिएगा यहाँ पे एनर्जी हमारी बन रही है, 2NAD से क्या बना हमारा, 2NADH पॉजिटिव बना, मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। अब NADH का क्या फंडा है वो इसके साइकिल के बाद बताऊंगी। और कौन से एंजाइम की हेल्प से बन रहा है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। उसके बाद 6th स्टेबल कंपाउंड क्या आया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से हमारा बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, कौन से एंजाइम की हेल्प से बना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से हमने वह क्या बना लिया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे भी देखिए एनर्जी बन रही है, यूज नहीं हो रही है,
टू एडीपी से एडिनोसिन डाइफोस्फेट से हमारा टू एटीपी बन रहे हैं, मतलब एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट बन रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सेवंथ स्टेबल कंपाउंड, थ्री फोस्फोग्लिसरेट से बना टू फोस्फोग्लिसरेट। यहां पे देखिए कौन से एंजाइम की हेल्प से बन रहा है, फोस्फोग्लिसरोम्यूटेज। उसके बाद एट्थ स्टेबल कंपाउंड है, टू फोस्फोग्लिसरेट से बन रहा है फोस्फोनियोल पायरुवेट। ठीक है, फोस्फोनियोल पायरुवेट से अब बनेगा पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। और यहां पे भी देखिए एडीपी से एटीपी बन रहा है, मतलब एडिनोसिन डाइफोस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट बन रहा है। यहां पे भी हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बन रही है, ना कि यूज हो रही है। और देखिए यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है इनोलेज, इनोलेज एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिए हुए देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर ये वाला है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर ये है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, और पायरुवेट का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर्स ये दी हुई है, ये अगर आप एग्जाम में बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, ये पाथवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें जरूर याद कीजिएगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि ये कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए 10 के 10, और फिर इन्हें बोल सकते हैं रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं पाथवे से अलग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये आपको 10 स्टेबल कंपाउंड याद होने चाहिए और इनके हिसाब से इनके एंजाइम भी याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है कहां पे एटीपी बन रही है, कहां पे एडीपी बन रही है। मैंने बोला था इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एनएडीएच का क्या फंडा है। देखिए 1 एनएडीएच इज इक्वल टू 3 एटीपी, एक एनएडीएच के अंदर 3 एटीपी प्रेजेंट होते हैं। एनएडीएच की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। इसके अंदर 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेनेशन, अब ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस अ पाथवे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन लीडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलाइसिस आर एज फॉलोज। देखिए क्या है ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा पाथवे है जहां पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक की प्रोसेस पूरी कंटेन हो रही है। उसके बाद इसमें जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस आई, फर्स्ट वन इज फॉस्फोराइलेशन। इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐसे आप एक्सप्लेन कर देना पाथवे के बाद कि फर्स्ट वन हमने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन से एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। इन दिस स्टेज 1 एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। इस स्टेज में क्या हुआ, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। सेकंड वन इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ऐसे ही थर्ड वन इज फॉस्फोराइलेशन। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने फॉस्फोराइलेशन की मदद से किसमें, विद एटीपी एंड फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उसके बाद फोर्थ वन इज क्लीवेज। क्लीवेज रिएक्शन में क्या किया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट किया किसकी हेल्प से, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। उसके बाद आ जाता है क्रैब्स साइकिल। अब क्रैब्स साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्रैब्स साइकिल बोलते हैं, 3 नाम होते हैं साइकिल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है ये भी, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे भी और क्रैब्स साइकिल भी, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देख लेते हैं, द साइकिल ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटू CO2 एंड HO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका बोल सकते हैं वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रैब्स साइकिल, एज इट इज
डिस्कवर्ड बाय सर हैंड क्रैब इन दिस साइकिल डिफरेंट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड हैंस कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हुआ हुआ है, तो इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। दूसरी चीज, इसे सिट्रिक एसिड पाथवे क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, सिट्रिक एसिड है। दूसरी चीज, क्रैब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका इसका इन्वेंशन किया था वो सर हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ओके, उसके बाद देखिए ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखिए यहाँ पे क्या है, सिट्रिक एसिड जिसे आप सिट्रिक सिंथेस बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है सिट्रेट का। और दूसरी चीज, ये किसके हेल्प से देखिए सिट्रिक एसिड से बना हमारा, ओके, सिट्रेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, सिट्रेट। देखिए ये कहां से, पाइरूविक एसिड आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, पाइरूविक एसिड प्लस को एसिटाइल को एंजाइम में एक साथ जब अटैच होते हैं तो ये किस में एंटर करते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के आगे का ही पार्ट है, राइट। तो यहां पे देखिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहां पे सिट्रेट सिंथेस हुआ और यहां पे क्या बना, सिट्रेट बना। फिर कौन से एंजाइम की हेल्प से, एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से क्या बना, सिस एकोनिटेट। ये सेकंड स्टेबल कंपाउंड बना और यहां पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। उसके बाद आ जाते सिस एकोनिटेट से क्या बना, आइसोसिट्रेट। कौन से एंजाइम की हेल्प से, एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से। देखिए वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन के अंदर आ रहा है। थर्ड वन इज आइसोसिट्रेट से क्या बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। कौन से एंजाइम की हेल्प से, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनएडी से एनएडीएच बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी बन रही है, हमें एनर्जी मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से बना सक्सिनिल को एंजाइम ए। यहां पे देखिए प्रोसेस क्या हो रही है, एनएडी से एनएडीएच पॉजिटिव बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी बाहर जा रही है, यहां पे भी एक एनर्जी बन रही है, यहां पे भी बन रही है। याद रखिएगा कौन से एंजाइम की हेल्प से, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। ओके, अब देखिए सक्सिनिल को एंजाइम से क्या बना, सक्सिनेट बना। कौन से एंजाइम की हेल्प से, सक्सिनिल को एंजाइम ए सिंथेज। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जीडीपी से जीटीपी बन रहा है, यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिल रही है। फिर आ जाते हैं सक्सिनेट से फ्यूमरेट, सक्सिनेट से क्या बना, फ्यूमरेट बना। कौन से एंजाइम की हेल्प से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। और यहाँ पे देखिए एनर्जी हमें मिल रही है, एक एफएडी से हमें बन मिल रहा है, एफएडीएच पॉजिटिव। अब देखिए फ्यूमरेट से बना एल मैलेट, और ये किसकी हेल्प से बना, फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से। और देखिए वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन के अंदर आ रहा है। फ्यूमरेज से नेक्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना ऑक्सैलो एसिटेट। कौन से एंजाइम की मदद से, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। और यहां पे भी देखिए एक एनएडी से क्या बन रहा है, एनएडीएच पॉजिटिव बन रहा है, राइट। ये साइकिल का पूरा ओवरव्यू हो गया। दूसरी चीज, अगर आपको साइकिल पूरे डीप में समझनी है, ट्रिक के अकॉर्डिंग समझनी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सारे कंपाउंड के नाम याद हो जाएंगे, जो ये प्रोसेस हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, जो ये आपके एंजाइम्स हैं, इन सबकी आपको ट्रिक कैसे याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सिट्रेट से स्टार्ट किया था और लास्ट हमारा ऑक्सैलो एसिटेट कंपाउंड हमें मिला है, राइट। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, क्रैब साइकिल की। ओके, तो ये क्या है, क्रैब साइकिल है। इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके ये सब सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, राइट। यहाँ पे फाइव कार्बन कंटेनिंग, फिर फोर कार्बन कंटेनिंग, इन सबकी पूरी तरीके से आपको ये याद करने पड़ेंगे सारे कंपाउंड्स। इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं या फिर आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, ये तो ऐसे कैसे आपको कंपाउंड्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शंस। अब बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इट मींस क्रैब साइकिल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप रिएक्शन लिख सकते हैं खुद से कि ऑक्सैलो सक्सिनेट के लिए हमने ये वाला एंजाइम यूज किया, इस वाले कंपाउंड से ये बना, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर आया, बाहर गया, ये सारी चीजें। फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होगा फोर्थ में। फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए।
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा. सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, फॉर्मेशन होगा सक्सिनिक एसिड का. सेवंथ इज फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड. एट इज फॉर्मेशन ऑफ मालिक एसिड एंड नाइन्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. राइट, ये आप अपने तरीके से बना के रिएक्शन नोट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद क्रैब साइकिल देखिए. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. सबसे पहले हमने फॉर्मेशन किया एसिटाइल कोएंजाइम ए का, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए और पाइरुविक एसिड एक साथ मिलके कहाँ एंटर करता है, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर किया जाता है. पाइरुविक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर इट्स एंट्री इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल. जो पाइरुविक एसिड है वो क्या, कौन सी प्रोसेस शो करता है, डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, किसमें कन्वर्ट होने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के लिए, जिससे कि वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री हो सके उसकी. इन दिस स्टेज एनएडीएस इज कन्वर्टेड इनटू एनएडीएच पॉजिटिव, एनएडीएच पॉजिटिव. ठीक है, क्या होता है इस प्रोसेस में, एनएडी से क्या बन रहा है, एनएडीएच पॉजिटिव बन रहा है. सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड. अब आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज. राइट, कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, किस कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके पूरे फॉर्म में लिख, इस तरीके से आप रिटर्न में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ये रिएक्शन फॉर्म में भी आप दिखा सकते हैं. थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, आइसोसिट्रिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस. उसके बाद फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट एसिड. अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. राइट, फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए. अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका जीनेज में. सिक्स्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड. अब सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू सक्सिनिक एसिड. राइट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. सेवंथ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड. अब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फ्यूमरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज. राइट, एट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किससे, मैलिक एसिड से. राइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ईटीसी या फिर ईटीएस और टर्मिनल ऑक्सीडेशन ईटीएस, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम एनएडीएच 2 and FADH2 and different electron carriers through various enzyme system is called electron transport system or terminal oxidation. In this process the hydrogen form ETS is transferred to molecular oxygen. This is known as terminal oxidation. Yes, देखिए जो ETC process होती है electron transport system, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ यही है कि कैसे NAD से NADH positive बन रहा है, कैसे ADP से ATP बन रहा है, कैसे FAD से FADH positive बन रहा है. Means energy हमारी लग नहीं रही बल्कि दोबारा से energy बन रही है, ज्यादा एक molecule फालतू बन रहा है energy का, और जिस form में energy store होनी है body के अंदर उसमें देखिए NADH में कितने ATP प्रेजेंट होते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. दूसरी चीज जो FADH होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.